हेलो दोस्तों, खाना किचन में आपका स्वागत है। आज हम पनीर का स्टार्टर्स बनाएंगे, पनीर और चिप्स से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये पनीर लिया है 100 ग्राम के करीब, और इसमें आधा चम्मच मक्खन डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मक्खन में भी नमक रहता है, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। बस इसको मिला देना है हल्के हाथ से कि पनीर ना टूटे। धीरे धीरे टॉस कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। चलिए इसको बंद करके रख देते हैं और चिप्स का एक टुकड़ा ले लेते हैं। अभी एक चिप्स उठा लिया है और इसमें पनीर का टुकड़ा लगा के टूथपिक्स इसमें लगाना है। पनीर के साथ ही टूथपिक लगाइएगा इस तरह से। दूसरा भी करके दिखाते हैं। ये इस तरह से पनीर का टुकड़ा लीजिएगा और इसको भी इसी तरीके से लगाना है। ये इसी तरीके से सारे लगाने हैं। ये नया नाश्ता है फ्रेंड, इसे आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सारे बनकर तैयार हैं हमारे। अब ये कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल है ये, और ये गरम हो रहा है। गरम हो गया है ये, अब इसमें धीरे धीरे इसको डाल देना है। सारे पीस इसमें जितने आए उतने ही डालिएगा। और इसका फ्लेम धीमे रखिएगा, क्योंकि धीमे धीमे ही ये बनेगा, नहीं तो जलने लगेगा और पनीर भी टाइट हो जाएगा, इसलिए फ्लेम को धीमा ही रखिएगा। और इसी तरीके से हल्के हाथ से इसको पलटना पलटना है। ये देखिए, हल्के हाथ से बिल्कुल करिएगा कि हमारा पनीर टूटे ना, और ना ही चिप्स ही टूटे, पक भी जाए। ये हमारा बनकर तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब दूसरा भी डाल के दिखाते हैं। इस तरीके से दूसरा भी बनाएंगे। और ये देखिए, हमारा दूसरा भी बनकर तैयार हो गया। इसे भी निकाल लेते हैं। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना क्रिस्पी, कितना बढ़िया, कितना अच्छा ये बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा।